माननीय स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आदरणीय महानिदेशक महोदय के माध्यम से मुझे करीब 2 घंटे पूर्व अब से ये जानकारी मांगी गई कि डॉक्टर राजीव गुप्ता जो जिला चिकित्सालय बदायूं में तैनात है वो 6 तारीख को बरेली में प्राइवेट करते हुए पाए गए। उस संबंध में आप स्वयं जाकर देखें और अपनी रिपोर्ट हमको 1 घंटे के अंदर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करने अपनी आख्या दें। मैंने स्वयं जाकर के जिला चिकित्सालय बदायूं में जाके देखा, वहाँ पहुँच करके मैंने अवस्थित पंजिका का अवलोकन किया। उसमें उपस्थिति पहले दर्ज थी जिसको काट करके हरे रंग के पेन से सीएल लगाई गई है। उस समय मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका डॉक्टर प्रवीणा माहेश्वरी मौजूद थी। इस संबंध में मैंने उनसे पूछा कि आपने ये किया है, किस परिस्थिति में किया है, क्या आपको यह जानकारी है कि आपका चिकित्सक जिसकी उपस्थिति यहाँ दर्ज है बरेली में 6 तारीख को प्राइवेट पकड़ा गया है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे इस संबंध में जानकारी है, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। मैंने उनसे पूछा कि ये किन परिस्थितियों में आपने उपस्थिति लगी हुई सी काट कर सीएल किया गया। इसके सब प्रश्न में उन्होंने कहा कि मुझे ये ज्ञान नहीं है कि क्या मुझे इसमें सीएल लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सीएमएस महोदय अपने दायित्वों के प्रति जागरूक नहीं है। नियमानुसार देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जो अवकाश प्रार्थना पत्र है उसमें यह दर्शाया गया है कि ये 5 तारीख को 5 अप्रैल 2017 को सीएल की एप्लीकेशन दी गई है जिसमें मुख्यालय छोड़ने के लिए कहा गया है। दूसरी बार अगले दिन 6 तारीख को उनकी उपस्थिति दर्ज है जिसे काट करके सीएमएच महोदय के द्वारा काट कर सीएल लगाई गई है। नियमानुसार ये फर्जी प्रतीत होती है। इस संबंध में मैंने डॉक्टर प्रवीणा माहेश्वरी से टिप्पणी चाही, इस संबंध में आप क्या कहना चाहती हैं। तो उन्होंने वही प्रश्न अपना दोहराया कि इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, डॉक्टर राजीव गुप्ता के बारे में कुछ भी टिप्पणी करने से उन्होंने इनकार किया।